हाँ जी बिल्कुल, मैंने सोचा है कि मैं शादी उस इंसान से करूंगी जो मुझे प्यार करता हो, मैं उससे करूँ ना करूँ लेकिन वो मुझसे करता हो। अच्छा, आप उसे करें ना करें, हाँ मैं उससे प्यार करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे वो आपसे जरूर प्यार करे, वो मुझे ताकि नहीं छोड़ेगा जो मुझसे प्यार करेगी, जिससे मैं प्यार करूँ वो एटीट्यूड नखरे में आके या मेरे बगैर रह सकती है, मैं बखरा शाहरुख खान हूँ या मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती या मेरे से इसकी मजबूरी है, ऐसी गलत फहमी में कोई ना रहे, कोई ना रहे, मैं उससे शादी करूंगी जो मुझे प्यार करे, आएगा तो जरूर बताऊंगी। यानी कि अभी तक आपकी, यानी कि अभी तक आपकी जिंदगी में आपकी मर्जी के मुताबिक प्यार करने वाला नहीं आया? ऐसा तो सवाल करें, हम सब देख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी सीनियर आर्टिस्ट है, मेरी बहुत अच्छी बहनें हैं दोनों और मुझे उनके साथ काम करके अच्छा लगता है, वो मेरी सीनियर है और मुझे उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और मुझे कोई प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी। और एक अरसे के बाद मेरे चैनल पर आज मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं पाकिस्तान थिएटर की सुपरस्टार दीदार मुल्तानी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मज़लूम नहीं होते वो, फिर बस फिर रुला, जब बंदा किसी को तंग करता है फिर पहले तो वो सोच ले कि भाई हम इससे रुला रहे हैं, इसे तंग कर रहे हैं, वो भी इंसान बर्दाश्त करे, जब हमारी बर्दाश्त की लिमिट्स क्रॉस हो जाती है फिर हम जब उन्हें रुलाते फिर हम लिमिट्स भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, बस रुलाते हैं, फिर ठाफा होती है। बस जाहिर सी बात है, लोग दोनों ऐसे ऐसे काम करा दिए जो मतलब कभी किए ही नहीं थे। पोचे लगाए, पोचे, हाँ जी पोचे भी लगाए हैं, खाने भी बनाए हैं, किचन खाना बना लेती हैं? हाँ जी खाना बना लेती हूँ कभी कभी। तो मुझे तुम क्यों कह रही थी कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिंदगी में जो अच्छा कुक हो? कभी कभी उसे खाना भी बनाने अच्छा दिल नहीं करता ना हमारा बनाने को, तो वो बनाकर खिलाए था अपने प्यारे हाथों से। हाय सत्य के जावा, बंदा भी वो जिसके हाथ भी प्यारे हो। हाँ जी और प्यारे हाथों से वो आपको खाना बना देता है। हाँ जी ऐसे ही है, हमारा काम जो यही है डांस करना, तो फिर हर जगह डांस ही करते रहते हैं, कम ग्रीन रूम में भी डांस कर रहे हैं, स्टेज पे भी डांस कर रहे हैं, अपने घर में भी डांस कर रहे हैं, बस गाड़ी में बैठे हुए भी डांस करते हैं, क्योंकि काम हमारा यही है। पंगे मतलब बस हारना पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब मेरी कोई बात मतलब मैं कह दूंगी ये काम या ये बात ऐसे होनी चाहिए वो ना हो तो फिर थोड़ी सी सैड हो जाती हूँ, रोना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद फिर आपका रोना जब खत्म होता है आप उठती हैं, टिश्यू उठाकर अपने आंसू पोंछती हैं और फिर विलन बन जाती हैं। हाँ फिर मैं अंजुमन बन जाती हूँ। फिर जब आप विलन बन जाती हैं तो फिर अगले के रोने का टाइम आता है, बस फिर नहीं आप उनकी सुनती, फिर नहीं, फिर वो रोता है और आप हंसती हैं, बिल्कुल वो मजलूम हो जाता है और आप विलन हो जाती हैं। नहीं नहीं मजलूम नहीं होते वो, फिर बस फिर रुला, जब बंदा किसी को तंग करता है फिर पहले तो वो एंड टाइम पे तो नहीं होते, जब मारते हैं फिर बाद में जब अकेले होते हैं या फील होता है यार हंस हंस के, जब मतलब उनका मजाक उड़ा लेते फिर थोड़ा सा फील होता है कि यार ये गलत गलत किया, नमकीन नमकीन सी, या फिर वो थोड़ी सी तकलीफ देते हैं आप लोग थोड़ा सा रोती हैं, फिर उसके बाद आपको आप उसको इतना रुलाती हैं कि फिर वो चिंग जी पर आता है। ऐसे ही है, वो चिंची पे चांद गाड़ी पे आता है, गाड़ियाँ भी चली जाती हैं, वो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ भी चली जाती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो ऐसा कभी हुआ है कि कभी ऐसे बंदे ने आपको रुलाया हो जिसको आप दिल से बहुत अच्छा समझती हैं, दिल से प्यार करती हैं और फिर वो आपको रुलाता है, फिर आपको वो रोना भी अच्छा लगता है और वो रुलाने वाला भी अच्छा लगता है? वक्त के साथ हर चीज अच्छी लगती है, कभी रोना भी अच्छा लगता है और वक्त के साथ रुलाना भी बड़ा अच्छा लगता है। नहीं नहीं रुलाना तो अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, रुलाना तो अच्छा वक्त के साथ लगता है, रुलाने वाला जो है बात होता है नहीं, बड़ा अच्छा रोते नहीं, ज्यादा नहीं रोते वो, हम आर्टिस्ट लोग हम ज्यादा नहीं रोते, वो थोड़ा जो तो थोड़ा बहुत रोते हैं, थोड़ा बहुत रोते हैं, वो जो रुलाने वाला होता है वो अच्छा लग रहा होता है या बुरा लग रहा होता है? बहुत जहर लगता है। सुनने जी आपके सोचते हैं ना घर में बैठ के, मैं आज इन्हें बड़ा रुवाया कि याद करेगी, तो आप बड़े जहर लगते हैं जो इनको रुलाता है, तो फिर आप उसे भी हारने नहीं आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इतना नहीं जितना फिर उन्हें हम रुला देते हैं। नहीं पहले तो आप रोती हैं। हाँ पहले पहले रोते फिर रुलाते हैं। हाँ मुझे जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं बड़ा खुश था और मेरी जो दुल्हन है वो रो रही थी, मैंने कहा ये बेचारी क्यों रो रही है, उन्होंने कहा ये तो आज रो रही है, बेटा तूने सारी जिंदगी रो दी। इसी तरह यानी कि आप फिर थोड़ी देर के लिए रोती हैं, अगला फिर सारी जिंदगी के लिए रोता है। बिल्कुल तो वो कैसे मतलब जब वो आपका कुछ चाहने वाला होता होगा, बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी पर आता होगा। बड़ी गाड़ी पर पीछे प्रोटोकॉल वाली गाड़ी अलग है, उस तो पिछले वैगन दे विच चौलां दीयां बोरियां खंड दीयां बोरियां अलग पई ने। नहीं नहीं वो बस तकलीफें देते हैं, बस नमकीन नमकीन सी, या फिर वो थोड़ी सी तकलीफ देते हैं आप लोग थोड़ा सा रोती हैं, फिर उसके बाद आपको आप उसको इतना रुलाती हैं कि फिर वो चिंग जी पर आता है।
कोरियोग्राफर जो है वहाँ मौजूद है सर, वो लड़के भी हैं, तो वो ये ड्रामा इतना आसान है कि वो आधे घंटे की रिहर्सल में और गाने के लिए चार दिन जरूरी है। नहीं नहीं सर, गाने के लिए भी चार दिन जरूरी है और रिहर्सल के लिए भी चार दिन, बस ऑन एंड ऑफ हो जाता है कभी कभार, फिर आपकी डांट से हम सीधे हो जाते हैं। नहीं आप सीधे नहीं होते, मुझे सीधा होना पड़ता है। दीदार मुल्तानी जो है वो फिर यहाँ से रिहर्सल से निकलना हो तो कहती है कि मेरा गाना अधूरा रह गया। मुझे हम लोग यहाँ पे भी रिहर्सल करते हैं, गाने की अलग से रिहर्सल करते हैं, ड्रेसेस के लिए अलग से दिमाग का पाते हैं कि हमें क्या पहनना है, कौन से कॉस्ट्यूम होने चाहिए, नजर आना हो। नहीं जी, डांस में ना दी वाकई बड़ी मेहनत होती है डांस के बीच, इन्होंने डांस के दौरान इटा भी सुटनी है। किस तरह तो इटा भी सुट लेना, ये परेशान नहीं होना, ये इन सब आर्टिस्ट की मोहब्बत है हमारे साथ जो उभर के बाहर आ रही है। लाइन ऑफ 2.5 महीने भी लॉकडाउन के जो थे तो इसमें हमने खूब खाया पिया, वो खूब नहीं खाया पिया। मैं देखता हूँ कि अक्सर शो टाइम में आपके कैबर्स में भी खाने पीने की बेशुमार आई चीजें आई पड़ी होती हैं, मगर वो आपके डांसर खा रहे होते हैं, आपके स्टाफ खा रहा होता है, साथी आर्टिस्ट खा रहे होते हैं, आप कभी ये मेकअप करे आई सर एंट्री, आई सर मेरा गाना, वो मेरी फला चीज का है, तो वो वही पे ठंडा हो जाता है। वो लॉकडाउन के दौरान ये आप ज़हनी तौर पर पुरसकून होकर दाल भी खाए तो वो लगती लगता है, पानी भी पिए तो वो भी लगता है, टेंशन किसी की नहीं होती ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, भाग जाते हैं लॉकडाउन में, टेंशन ही होती लॉकडाउन में। अभी दोबारा खुले हैं थिएटर, हाँ जी, तो रूह को सुकून मिला, पब्लिक आप बेहतर समझते हैं हमारी रूह को कितना सुकून मिला है। पब्लिक के लिए आप कुछ मजीद अच्छे से अच्छा करने का? हाँ जी बिल्कुल, कोशिश होती है कि हर वीक में हम अच्छे से अच्छी आइटम सॉन्ग दें। बाकी दोस्त बहुत सारे हैं, दोस्त तो दुनिया में होते हैं, और वो भी कोई इंसान है जिसकी जिंदगी में दोस्त ना। हाँ, ये दोस्तों के बगैर इंसान जो है उसकी कोई लाइफ नहीं है, वो अधूरी लाइफ है। अब आप मजीद क्या क्या जीतना चाहती हैं? आपने माँ बाप के रिश्ते जीते, बहन भाइयों के रिश्ते जीते, दोस्तों के रिश्ते जीते, और प्यार करने वाला का रिश्ता जीत लिया, अब दुनिया में और क्या जीतना चाहती है? बात हार और जीत की चल रही है। बस अब अपने काम से अपना मतलब मनवाना चाहती हूँ कि लोग कहेंगे वहाँ के दीदार मुल्तानी का अच्छी डांसर है। और ये भी बताएं कि कोई ऐसी जगह भी है जहाँ आप हारना चाहती हूँ? देखिए लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसान को ना हारते वो भी हारना पड़ता है, बस वहाँ फिर हम जानबूझ के हार जाते हैं। जानबूझ के हार जाते हैं, लोग खुश हो जाए हमारी खैर है, नहीं तो आप अगर वो चैलेंज हो जाए तो फिर आप उसे भी हारने नहीं हारेंगे। अब नहीं हारना है। तो दोस्तों इस तरह है कि दीदार मुल्तानी हमारी प्यारी आर्टिस्ट, आपकी महबूब आर्टिस्ट, बहुत सारी प्यारी बातें हुई इनसे कि वो सिर्फ जानबूझकर वहाँ हारती है उस जगह।